Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The brother who, for the English, they should move to my left on the back side. The brother will be translating in English. The brothers who want English translation, they can brother move towards my left in the back corner over there, inshallah. Jazakallah khair. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزني وأوجز فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. एक बहुत छोटी सी कहानी जो हदीस पाक में है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत शॉर्ट है वो। एक सहाबी हैं, उनका नाम है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला। आपने बड़े बड़े सहाबा को सुना होगा। ये सहाबी बहुत खुशनसीब हैं, इसलिए कि जब हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए हिजरत करके, तो पहले से कोई मकान तय नहीं था कि आप कहाँ ठहरेंगे। अगर हम भी उस ज़माने में होते तो बताइए हमारे दिल की उस वक्त आवाज़ क्या होती कि काश हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मकान को कबूल कर लें, मेरे घर में आ जाएं, मैं उनका मेज़बान बन जाऊं, और ना अंदर आए तो अपना दरवाज़ा खुला रखते, काश आपकी एक निगाह मेरे मकान पर पड़ जाए। क्योंकि ईमान वालों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक इतना अजीम है कि कोई दूसरी मोहब्बत दिल में नहीं होती इतनी बड़ी। और सहाबा की मोहब्बत आप जानते हैं, सहाबा किस कदर मोहब्बत करते थे, उसकी मिसालें दुनिया में कोई पेश नहीं कर सकता। तो उस वक्त सहाबा के दिल कैसे तड़पे होंगे। इसलिए आपने ये सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए, आपको सहाबे किराम रदी अल्लाहु अन्हुम के दिलों का ये जज्बा नज़रों में था। अब आप ये फैसला करें मैं फलां घर पर ठहरूंगा, तो दूसरे साहबी के दिल को अफसोस होगा, दुख होगा कि हज़रत मेरे यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए। और मुसलमानों के दिल का ख्याल करना आपने बहुत ही उसका एहतमाम करने को कहा है, तो अब कैसे करते। तो सीरत में आपने ये वाक़या पढ़ा होगा कि जिस ऊंट पर आप सवार थे, आपने ये फ़ैसला फरमाया कि मैं इसकी लगाम छोड़ देता हूँ, और ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से जहाँ ठहरेगी मैं वहीं उतरूँगा। अब जहाँ पर वो ऊँटनी बैठ जाती थी तो दूसरे सहाबा उसको धक्का देते थे, उठ जाओ, उठ जा, उठ जा। मोहब्बत की बात यही होती है, तो वो उठ के चल देती थी। आखिर में जिस मकान के दरवाजे पर वो ऊँटनी आकर रुकी और वहाँ से फिर हिली नहीं, वो मकान था हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो ऐसे खुशनसीब साहबी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान बने मदीना में, और ऐसी फिर मेज़बानी का हक अदा किया। कभी आपको मौका मिले तो उनके वाक़यात आप पढ़ेंगे किस मोहब्बत और शान से मेज़बानी का हक अदा किया है। वो तफसील वहाँ है, मुझे तो छोटी स्टोरी सुनानी है जो आगे उन्होंने बयान की। उन्होंने क्या फरमाया,
फरमाया जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहा इज़नी व औजिज, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप नसीहत फरमाइए, वाज कीजिए मगर बहुत शॉर्ट कीजिए। अगर हम होते तो मूड ख़राब हो जाता है, कहा ऐसा कहते हो जैसे ऑर्डर कर रहे हो, सुनना है तो सुनो। इमाम साहब कहेंगे मैंने हफ्ता भर तैयारी की है वाज की और तुम भाग रहे हो, ऐसा नहीं फरमाया, क्योंकि आपकी शान अजीब थी। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपकी शान बहुत अजीब थी, बहुत अजीब। खुद एक दफ़ा फरमाया उअल्लिमुकुम कमा युअल्लिमुकुम आबाउकुम, ए लोगो मैं तुमको ऐसे सिखाता हूँ तुम्हारे माँ बाप क्या ऐसा सिखाएंगे। और इस हदीस में आगे जो तीन जुमले फरमाए हैं वाकई वो ऐसे हैं कि जो बहुत हल्के हैं। जब ये फरमाया मैं तुमको ऐसे सिखाता हूँ माँ बाप भी ऐसा नहीं सिखाते, तो उसमें आगे तीन जुमले फरमाए। पहला फरमाया जब बैतुल खला जाओ तो बायां पैर दाखिल करो, ये मैं तुमको सिखाता हूँ। दूसरी बात जब अंदर पहुंचो तो तुम एनी हाउ नहीं बैठ सकते, बल्कि पहले देखो ला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरुहा, ख्याल करना बैतुल खला में इस्तिंजा करते वक्त न तुम्हारा चेहरा क़िबला की तरफ हो न तुम्हारी पीठ क़िबले की तरफ, क्या ये मैं तुमको ऐसी छोटी बातें सिखाता हूँ। और तीसरी बात बताई जब सफाई करो टिश्यू इस्तेमाल करो पाकी हासिल करो तो दायां हाथ इस्तेमाल नहीं करना बायां इस्तेमाल करना। तो इसको फरमाया मैं तुमको ऐसा ही सिखाता हूँ माँ बाप क्या ऐसा सिखाएंगे। वाकई आपकी शफकत थी, शायद कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं सिखाई। अब आदमी थूकता है कहीं, उसको भी सिखाया कि बाएं तरफ को थूको नीचे कदम के नीचे थूको, आदमी सोच नहीं सकता, ऐसी शान थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ भी उसी रहमत और शफकत का सबूत दिया। तीन जुमले, थ्री सेंटेंसेस हैं, ये बहुत छोटे बताए लेकिन आपका कलाम कलाम होता है, उसमें उलूम का समंदर होता है। बस जवाब में चूंकि उस शख्स ने कहा मुझे एडवाइस कीजिए मगर वेरी शॉर्ट, तो आपने तीन जुमले में आए और तीन जुमलों में तीन बहुत बड़े समंदर हैं उलूम के, शारहीन ने उन पर बहुत लिखा है। मैं तो सिर्फ वो तीन जुमले आपको सुनाता हूँ, उनका तर्जुमा बताता हूँ और आपको याद हो जाए तो समझिए तीन हदीसें आपको याद हो गई। और आप जानते हैं इल्म हासिल करना कितनी बड़ी चीज़ है, आप ये तीन चीज़ें साथ ले जाएंगे छोटे छोटे जुमले और फिर घर में पहुँचाएंगे या किसी को सुनाएंगे तो इल्म के फैलाने का आपको सवाब मिल जाए, हुसूल इल्म का सवाब मिल जाएगा। पहला जुमला जो फरमाया आपने, फरमाया इज़ा कुमत फी सलातिक फसल्ली सलात मुवद्दईन, जब तुम नमाज शुरू किया करो, नमाज का इरादा तुमने किया, नमाज के लिए खड़े हो गए तो ये सोच लिया करो अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज होती तो मैं इसको कैसे पढ़ता। गोया जो आजकल प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं जी कंसंट्रेशन नहीं है, तवज्जो नहीं है, ख्यालात आते हैं, वसाविस आते हैं, गोया उसका इलाज बता दिया। और वाकई इसमें उन्हीं लोगों को खिताब किया जो नमाज पढ़ने वाले हैं, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब वही हैं जिन्होंने अल्लाह के फजल से नमाज अदा की। तो गोया नमाजी के लिए जुमला बता दिया कि नमाज शुरू करो तो ये तसव्वुर करो अगर ये मेरी आखिरी नमाज होती तो कैसी होती, तो अब मैं सुबहाना कल्लमा पढ़ूँ तो कैसे, अलहमद शरीफ मेरी हो तो किस तरह की, सुबहाना रब्बी अल अज़ीम मैं कहूँ तो कैसी, सुबहाना रब्बी अल आला मैं कहूँ तो कैसी, यहाँ तक कि सलाम तक ये तवज्जो रहे कि मेरी ये नमाज ऐसी हो जाए तो वाकई वो नमाज नमाज जैसी होगी। हमारे उस्ताद भी थे शेख भी थे हज़रत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे जब इस तवज्जो से नमाज पढ़ो शैतान चैन से नहीं बैठने देगा, वो फिर अटैक करेगा कभी इधर से कभी इधर से, कोई ख्याल ले आएगा लेकिन तुम फौरन वापस हटाया करो और सलाम फेरने के बाद उससे कह दिया करो, वो कहेगा तुम्हारी नमाज नहीं, तुमने तो बहुत इधर सोचा,
तुम कहा करो मैंने अल्लाह का हुक्म पूरा किया, मेरी नमाज तो हो गई, तुम सोचते रहो। क्या इसमें शैतान का मुकाबला है? और जब आदमी ऐसा करता है, ये प्रैक्टिस की चीज है। और ये इंग्लिश वाले इडियम्स फ्रेजेस पढ़ाते हैं, जब हम लोग जब पढ़ते हैं स्कूलों में तो वहां पढ़ाते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आदमी कोशिश करता है, इसमें भी तवज्जो पर थोड़ा सा ध्यान देता है तो काबू हो जाता है। तो पहला जुमला ये इज़ा क़ुमत फ़ी सलातिका फ़सल्लि सलाता मुवद्दईन, जब नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसा तस्वर करो अगर ये मेरी आखिरी नमाज होती तो कैसी होती, इस तवज्जो से पढ़ो, अच्छी नमाज हो जाए। दूसरा जुमला आपने फरमाया वला तकल्लम बिकलामिन तअज़िरु मिन्हु गदन, अपनी जुबान से कोई ऐसा जुमला ना निकालो जिसकी वजह से कल को माफी मांगनी पड़े। जुमला कह तो दिया, बाद में सॉरी कहना पड़ा, कल कहना पड़ा, अम्मा जान में आपके सामने जोर से बोला माफ कर दो, अब्बा जान में तेज बोला मैंने गुस्सा किया माफ कर दो, दोस्त से कहा बस यूं ही निकल गया माफ कर दो। इसलिए कि हमारे यहाँ जुबान को इस्तेमाल करने में तीन तरह की पाबंदियां हैं। पहले ये है कितने जोर से बोलोगे, इस भी शरीयत में पाबंदी है। इसलिए सूरह हुजरात में है कि ए ईमान वालो जोर से मत बोलो उस तरह जैसे आपस में जोर से बोलते हो जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो। हर गुनाह की सजा अलग अलग है और इस गुनाह की सजा, अगर हजरत के सामने तुम लोगों ने जोर से बोल दिया तो उसकी सजा है अंतह बता आमालुकुम, तुम्हारे नाम आमाल में जितने आमाल होंगे उन पर क्रॉस डाल दिया जाएगा, इतना बड़ा जुर्म है। तो जैसे वहां का अदब है ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह माँ बाप के सामने कोई चीख कर नहीं बोल सकता, इजाजत नहीं है बहुत जोर से आदमी चीख कर बोले। आज का जवान माँ के सामने चीखता है मेरे अब्बा को यूं कहना, डांट के बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ इस पर पाबंदी है। जुबान आवाज कैसी हो इस पर भी पाबंदी है। दूसरी पाबंदी है वर्ड कैसा हो, इसलिए वो आपने बार बार सुना होगा, अभी इमाम साहब ने भी उसी सूरत की आयतें पढ़ी माशाल्लाह, वहीं पर खत्म की जहां आगे है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, जब तुम्हारा बाप बुढ़ापे में पहुंचे, जब तुम्हारी माँ बुढ़ापे में पहुंचे, अब उनके सेंसिटिव दिल का बहुत ख्याल करना। अब ऐसा जुमला नहीं कहना जो उनके दिल पर चोट पड़े। अब ये बुढ़ापे में बहुत नाजुक हालात में है, तुम इसके सामने कोई वैसा वर्ड नहीं कह सकते। तो कहा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, अब अपने बूढ़े बाप बूढ़ी माँ के सामने उफ नहीं कहना। उफ का तर्जुमा उर्दू वाले करते हैं हूं, अपने बूढ़े बाप और माँ के सामने हूं नहीं कह सकते, तेज बात तो बहुत दूर की बात है। तो ये फरमाया, फिर झूठ बोले आदमी उसकी तो गुंजाइश ही नहीं, गीबत करे आदमी उसकी तो गुंजाइश ही नहीं। तो इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तकल्लम बिकलामिन तअज़िरु मिन्हु गदन, दूसरी नसीहत फरमाई कि अपनी जुबान से कोई ऐसी बात मत निकालो कल को जिसकी माफी मांगनी पड़े, चाहे इस दुनिया में चाहे आखिरत में। मसलन अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते कोई बात बोल दी तो कल अल्लाह से माफी मांगनी पड़ेगी, गुंजाइश वही है, आदमी तोबा करता रहे माफी मांगता रहे। लेकिन हजरत ने फरमाया पहले से ही इसको काबू करो, कंट्रोल करने की कोशिश करो, बोलने से पहले सोचो आपकी जुबान से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे आपको कल माफी मांगनी पड़े। दो बातें होगी। और तीसरी नसीहत जो आपने फरमाई वो फरमाया व अजमिल इयासा मिम्मा फी ऐदिन नास, लोगों के पास जो कुछ है तुम उसकी तरफ अपने दिल को मायल मत करो, उनसे उम्मीद कायम मत करो। अगर उनके पास कुछ है भी और तुमने कभी उनकी तरफ तवज्जो की भी और तुम्हारी जरूरत पूरी ना हुई तो यह मत समझो इसकी खता है, बल्कि यह समझो अल्लाह ने इसके दिल में इस वक्त नहीं डाला। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हमारे दिलों का आधा बोझ हल्का हो जाए।
बहुत बार दिल में मलाल होता है, चचा के पास गया था उसने ये मदद नहीं की, भाईजान के पास गया था उसने ये उस वक्त हेल्प नहीं की, फलां पड़ोसी के पास गया था, दोस्त के पास गया था उसने उस वक्त ये सपोर्ट नहीं दिया। अगर ये जुमला हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी समझ में आ जाए और ये जहन में आदमी को बैठ जाए ये बात कि हर कोई आदमी जो कुछ उनके पास है वो तभी हमको सहारा दे सकता है जब अल्लाह उसके दिल में डालेगा। खुद उसके इरादे की बात तो उसके सवाब के कमाने और न कमाने की है, लेकिन होगा तब जब अल्लाह उसके दिल में डालेगा। तो फरमाया ऐसा करने से हमारे दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। कहा पहले से ही ऐसा कर लो, लोगों के पास या तो माल होता है या ओहदा होता है, कोई ताकत होती है जिससे वो मदद कर सकते हैं। फरमाया व अजमील इयास, अपने आप को यकसू कर लो, मायूस कर लो, मिम्मा फी आइदिन्नास, उन चीजों से जो लोगों के हाथों में हैं। फिर उनको तो दी ये हिदायत कि आप लोगों की मदद करो। हदीस में है कि जब मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की मदद में कोशिश में होता है अल्लाह खुद उसकी मदद करता है। उनको तो ये हुक्म है। गरीब को कहा मांगो मत, लेकिन मालदार को कहा तुम देते रहो। हर एक आदमी को अपना अपना फर्ज समझा दिया। हमारे हजरत फरमाया करते थे आज की दुनिया में लोगों ने दूसरे का हुक्म सुनाना तो सीखा, अपने ऊपर क्या हुक्म है वो नहीं सीखा। फरमाते थे इसलिए गरीब मालदार को याद दिलाता है कि तुम्हें खर्च करने का हुक्म मिला और मालदार गरीब से कहता है इस्लाम में मांगने से मना किया गया, तो एक दूसरे को हुक्म याद दिलाता है लेकिन अपने ऊपर क्या हुक्म है वो किसी को याद नहीं रहा। तो यहां फरमाया कि आप अपने आप को लोगों के हाथ में जो कुछ है उससे यकसू कर लो, उनसे कोई उम्मीद कायम मत करो, क्योंकि सब लोगों के दिल अल्लाह के कब्जे कुदरत। तब मैं रिपीट करता हूँ तीनों चीजों को। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला ने फरमाया एक आदमी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और सवाल किया, हजरत मुझे नसीहत फरमाइए और बहुत मुख्तसर नसीहत फरमाइए। आपने तीन चीजें बयान की। पहली चीज ये कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसी नमाज पढ़ लिया करो जैसे कोई अलविदाई नमाज पढ़ता हो। दूसरी बात, अपनी जुबान से कोई ऐसा कलाम मत निकालो जिस कलाम से कल को माफी मांगनी पड़े। और तीसरी बात, लोगों के हाथों में जो कुछ है उससे अपने आप को यकसू कर लो, कोई उम्मीद इंसानों से कायम मत रखो बल्कि अपनी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता करो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب। يا الله हमने अपने गुनहगार हाथ आपके सामने फैला दिए। अल्लाह आपने यह हाथ पाक अता फरमाए थे, हमने गुनाहों से इनको नापाक कर दिया। आपने जुबान पाक अता फरमाई थी, हमने इनको भी गंदा कर दिया। अल्लाह आप ऐसी रहमत हम पर नाजिल फरमाएं जो हम फिर से पाक हो जाएं। या अल्लाह हमारे दिलो दिमाग को पाक फरमा दीजिए, हमारे कुलूब को पाक फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें पाक बरकत वाली रोजी अता फरमा दीजिए, वसत वाला रिज्क अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें हलाल बरकत वाली रोजी नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे कर्जों को गैब से अदा फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे घरों में जो बालिग बच्चे बच्चियां निकाह की उम्र को पहुंच चुके, अल्लाह अपने ख़जाने से उनके निकाहों में बरकत अता फरमा दीजिए, उनको अच्छे नेक साले जोड़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह सुन्नत के मुताबिक निकाह की तौफीक अता फरमा दीजिए, जिनके निकाह हुए उनकी ज़िंदगियों को खुशगवार बना दीजिए, उनको औलाद साले नसीब फरमाइए। या अल्लाह हमारे भी जिस जिसको नेक साले औलादे नसीब हुई हैं उनको वालिदैन की ठंडक बना दीजिए, और जिनके इस्लाह की ज़रूरत है उनकी गैब से इस्लाह के असबाब पैदा फरमाइए। या अल्लाह जो भाई दुआओं के लिए कहते हैं, लिखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, उन सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमाइए। इस मजलिस में जो हाजिर हैं सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमाइए। या अल्लाह
हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमाइए। या अल्लाह, हमारे वालिदैन ने हम पर बड़ा एहसान किया है, बड़ी कुर्बानियां हम पर दी हैं, उन गरीबों में जो हयात हैं उनकी ज़िंदगी को आसान बना दीजिए, और जो दुनिया से चले गए उनकी कब्र को नूर से भर दीजिए, उनकी कब्र में कोई सख्ती हो उसको दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमाइए, आलम इस्लाम को इज्जत नसीब फरमाइए, मुसलमानों को हिदायत और कुव्वत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाइए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन वअला आलिही वअसहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुम।